नमस्ते दोस्तों, आज हम बीटा फिश के फिन रॉट के बारे में कुछ चीज़ें जानने वाले हैं, जैसे इसके सिम्टम्स, ये कैसे होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे ये होता कैसे। अगर आपका एक्वेरियम का पानी बहुत ठंडा हो जाता है, अगर आपने हीटर नहीं रखा है तो एक्वेरियम का पानी ऑब्वियसली बहुत ठंडा होगा। अगर आपने पानी बहुत दिनों से साइफन नहीं किया है, अगर आपके पानी में बहुत ज़्यादा अमोनिया हो गया है, या फिर अगर आपके डेकोरेशन पर एल्गे बहुत ज़्यादा हो गया है, तब भी आपके फिश को फिन रॉट हो सकता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें एक इन्फेक्शन क्रिएट कर देती है या एनवायरनमेंट को थोड़ा चेंज कर देती है, जिससे फिश वीक हो जाता है और उसको फिन रॉट हो जाता है। और दोस्तों कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप एक नई फिश को मार्केट से लेके आते हो और आप उसे रखने के बाद उसे फिन रॉट होता है, क्योंकि मे बी आपका एक्वेरियम का पानी उस फिश को अग्री नहीं हुआ हो या फिर पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो गए। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं। तो सिम्टम्स में दोस्तों, जो भी फिश के फिन्स लंबे या फिर बड़े होते हैं, आपको उनके सिम्टम्स बहुत ईजीली दिखेगी, आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि ये डिजीज़ का नाम क्या है, फिन रॉट, तो उसमें आप देखोगे कि उसके फिन्स जा रहे हैं, उसके फिन्स फट रहे हैं, उसके फिन्स के शेप चेंज हो रहे हैं, लाइक एक तरह से फिन पूरा चले गया है, फिन नहीं है। सो दोस्तों ये एकदम ईजीली हमें ये फिशेज में पता चलते हैं। आप ये भी नोटिस करोगे कि हल्के हल्के वाइट स्पॉट्स आ रहे हैं, और दोस्तों जब फिश सीख हो जाती है तो वो खाती नहीं और हमेशा डरी हुई रहती है। सो ये सिम्टम्स भी हम नोटिस करेंगे। अब दोस्तों सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पार्ट जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। सो दोस्तों अब हम बढ़ेंगे ट्रीटमेंट की तरफ। तो दोस्तों ट्रीटमेंट के लिए आपको सिर्फ 10 लीटर का एक्वेरियम लगेगा, ब्लू लिक्विड और एक्वेरियम सॉल्ट लगेगा, वही रॉक सॉल्ट। तो दोस्तों आपको आपके फिश को 10 लीटर के एक्वेरियम में रखना है, उसको 60% वाटर चेंज देना है। 60% वाटर चेंज देने के बाद 5 ग्राम्स रॉक सॉल्ट डालना है वो टैंक में, और 5 से 7 मिनट तक रुकना है। दोस्तों 5 ग्राम से ज़्यादा मत डालना, क्योंकि बीटा फिश थोड़ी सेंसिटिव होती है और अगर आपने रॉक सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा डाल दिया तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों रॉक सॉल्ट डालने के बाद आपको ब्लू लिक्विड डालना है, जितना आपके बॉटल पे प्रिस्क्राइब्ड है उतना, और 5 से 7 मिनट होने के बाद आपको फ्रेश पानी फिर से ऐड कर देना है। और दोस्तों ये प्रोसेस आपको 2 से 3 दिन तक करने हैं, और हमेशा याद रखना कि रॉक सॉल्ट ज़्यादा नहीं डालना है और ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखना है। तो 2 से 3 दिन बाद आप देखोगे कि आपके फिश के इन्फेक्शन कम हो गए हैं, वो फिन रॉट नहीं फैल रहा है, बट उसके फिन्स को आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको पेशेंटली रखना होगा। और दोस्तों मैं आपको और एक टिप दे देता हूँ, कभी भी फ्यूचर में आप रख रहे हो तो एक बादाम का पत्ता, आलमंड लीफ, आप हमेशा अपने बीटा फिश के टैंक में रखिए, क्योंकि वो पीएच मेंटेन रखता है बीटा फिश के लिए, और वो उसके लिए बहुत अच्छा होता है नेस्टिंग के लिए भी, और वो अंदर हाइड करता है उसके। सो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि पसंद नहीं आई। मिलते हैं आपको ऐसे ही अगले वीडियो में, फिर से नमस्ते।